राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात न कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों भरी होली। पांडुना नगर के नगर पालिका परिषद मैदान में होली दहन के उपलक्ष में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में नेशनल पेंशन स्कीम को होली में दहन कर और पूर्व प्रचलित पेंशन को बहाल करने की मांग की गई। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने नारेबाजी की और यह भी कहा कि पूर्व पेंशन लागू न करने पर संयुक्त मोर्चा संपूर्ण प्रदेश में 23 मार्च को ब्लॉक स्तर पर, 27 मार्च को जिला स्तर पर और 3 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली निकालकर ज्ञापन सौंपेगा। प्रदर्शन में सुरेंद्र सिंह बिसेन, ब्लॉक अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा रमेश पाटिल, प्रांतीय सचिव कर्मचारी, प्रांतीय कार्यकारी संयोजक नरेंद्र बांबल, ब्लॉक संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा और अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। निवृत्ति के पहले अगर आपकी वृत्ति हो जाती है तो आपको 5 पैसा नहीं मिलेगा, सरकार उसको जब्त कर लेगी, जितनी भी राशि जमा है उतने। विरोध हुआ इसका बहुत जबरदस्त, केंद्र सरकार ने फिर एक नियम बना लिया। उसमें केंद्र सरकार ने नियम ये बनाया कि अगर कोई एनपीएस धारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पहले अगर व्रत हो जाता है तो उसके पत्नी को ओपीएस दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम उसको दी जाएगा। अच्छा नियम था कि भाई कम से कम इस बहाने उसके परिवार को ओपीएस तो मिल रही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें अभी भी सुधार नहीं किया है। मतलब मध्य प्रदेश में अभी भी स्थिति है कि सेवानिवृत्ति के पहले अगर इस दुनिया से आपका जाना हुआ तो आपके परिवार को किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी, पूरी राशि आपकी जब्त हो जाएगी। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई किसी के 40 लाख जमा हो गए, किसी के 50 लाख जमा हो गए, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सेवानिवृत्ति के पहले अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे ये बताइए कि मर्डर कितने रुपए के लिए होते हैं आजकल, आप पेपर में पढ़ते रहते हैं, 10 और 20 रुपए के लिए भी मर्डर होते हैं, आपने देखा है। पता चला कि आप सेवानिवृत्ति के कगार पे पहुंचे, 61 वर्ष आपकी उम्र हुई और पता चला ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए आप, पता चला कोई और घटना दुर्घटना में मारे गए आप, वास्तव में नेचुरल नहीं मारे जाएंगे क्योंकि कंपनी के पास आपका लाखों रुपए जमा है। जब 10 रुपए के लिए मर्डर हो रहा है, जब पेंशन आपको देना ही नहीं है, 62 ले आपको टपका देंगे, होते ही रहते, बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। तो इस प्रकार के प्रावधान है जो की तरह से अमानवीय है। जैसे तो भी सरकार बड़ा तंत्र है, सर कर्मचारी इतनी भी नीतियों मान सरकार की है, उन्हें क्रियान्वयन करने का आप और लोग करते हैं तो सरकारी लोग थे, लेकिन सरकार को आने वालों के लिए भी अगर सुविधा नहीं दी गई तो ये बहुत बड़ी गति है। ये है मानवाधिकार आयोग ने इस पे ऑब्जेक्शन दिया है, जो संसदीय समितियां बनी है उन्होंने भी ऑब्जेक्शन दिया है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमको एक पेंशन दो, आप ओल्ड पेंशन, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी। व्यवहारिक तौर से आप जानते हैं कि आज का जो समय है बिल्कुल मॉडर्न है, आपके जो बच्चे हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपके बच्चे जो है, परिवार के लोग है, व्यवसाय के लिए कह ले, नौकरी के कारण कह ले, आपके साथ नहीं रहने वाले, तो फिर आपका सहारा क्या रहेगा। 500-600 रुपए में तो आप जीवन यापन नहीं कर सकते, निश्चित तौर से आपको ओल्ड पेंशन स्कीम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए भी हमको बहुत आपत्ति है नेशनल पेंशन स्कीम में कि बहुत देर से पाटिल सर ने आपको विस्तार से एनपीएस और ओपीएस के बारे में बताया, बाबल सर ने भी कार्यक्रम के बारे में बताया, चलिए हम लोग एक उदाहरण लगाते हैं। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, हम क्या चाहें पुराना पेंशन, हम क्या चाहें पेंशन, हम क्या चाहें पेंशन, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक है, हम सब एक है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अभी तो
गया है, ये एनपीएस संकेतक है। हम भारत हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी सरकार इस होली के त्यौहार पर जिस प्रकार ध्रुव प्रह्लाद ने अपनी बुआ की गोद में बैठकर बुराई को जलाया था और उन्हें होलिका देवी को बहुत अहंकार था कि मेरा भतीजा जीवित नहीं रहेगा, परंतु हमेशा अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। हम भी सरकार से निवेदन करते हैं कि आप अपनी जिद छोड़कर शिक्षा विभाग की मांग को पूरा करो, जो हम कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी विभागों की मांग को पूरा करो, जो शिक्षा विभाग ने ही आपको इस गद्दी पर बिठाया है, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, सभी को आप ओपीएस प्रदान कीजिए, यही हम आपसे मांग करते हैं, करते थे, करते रहेंगे जब तक आप हमारी मांग को पूर्ण नहीं करेंगे। हम 23 तारीख को ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करेंगे। खबर समय जगत के लिए पांडुना से देवेंद्र खुड़संगी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।